इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन के दूसरे पार्ट में हम लोग इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कब हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे और कब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे कि है कि सेम साइन अगर है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम साइन का मतलब दोनों प्लस प्लस के हों और या फिर दोनों क्या हों, माइनस माइनस के हों, तब हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अपोजिट साइन का मतलब एक का प्लस साइन हो दूसरे का माइनस, या फिर पहले का माइनस हो दूसरे का प्लस हो, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + 3, यानी कि 5 के आगे जहाँ पे कोई साइन नहीं होता है वहाँ पे प्लस साइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके आगे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों के साइन क्या है, एक जैसे हैं, सेम साइन है। तो जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस, यानी कि ऐड करते हैं। तो हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया 8। फिर वहीं पर देखो माइनस का 5, देखो यहाँ पे माइनस का 5 है और माइनस का 3 है। अब इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी, दोनों के साइन जो हैं वो भी एक जैसे हैं, सेम साइन है। तो हमने पढ़ा है कि जब सेम साइन होते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, हम ऐड करते हैं उनको। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 5 + 3, 5 के आगे माइनस है, यहाँ पे 3 के आगे प्लस है, दोनों के साइन जो है वो मैच नहीं करते, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट हैं, साइन अपोजिट है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है। तो 5 में से 3 चलाए, कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 5 - 3, यहाँ पे दोनों के भी यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे प्लस का 5 - 3, यहाँ पे दोनों के साइन क्या हैं, अपोजिट हैं। तो इनको भी क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 - 3 कितना आ गया, 2। लेकिन क्या ये आंसर सही है, ये सभी के सभी आंसर सही नहीं है, क्योंकि इनमें हमने ये तो पता कर लिया यहाँ से कि अगर सेम साइन होगा तो हम ऐड करेंगे, अपोजिट साइन होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम इनके जो रिजल्ट हमारा आया उनके आगे कौन सा साइन लगाएंगे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ साइन तो इनके आगे आएगा। वो साइन कैसे पता करते हैं, साइन हम पता ऐसे करते हैं जिन भी इंटीजर्स को हमने ऐड किया है उनमें से जो बड़ी नंबर हो उनके आगे जो भी साइन होगा, जो जिन इंटीजर्स को हमने ऐड किया है उन दो इंटीजर्स में से जो बड़ी नंबर हो उसके आगे जो भी साइन हो, उसके आगे जो भी साइन हो उस साइन को हम लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक रूल यहाँ पे और लिख लीजिए, जो सबसे बड़ी नंबर का साइन लगता है, जो सबसे बड़ी नंबर हो उसके आगे जो साइन हो यानी सबसे बड़ी नंबर जो भी हो उसका जो साइन होगा वो इसके आगे लगे। देखो 5 और 3, यहाँ पे क्या है, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के आगे साइन कौन सा है, प्लस, तो इसके आगे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 - 3, यहाँ पे 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पे इस वाले कंडीशन में माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे 5 और 3, यहाँ पे भी क्या कौन सा साइन है, माइनस है 5 के आगे, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। यहाँ पे 5 और 3, यहाँ पे 5 बड़ा, लेकिन यहाँ पे 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो यहाँ से प्लस का साइन। तो बस थोड़ा यहाँ से ये तो क्लियर हो जाएगा कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है, यहाँ से ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन सा साइन होगा ये हमें क्लियर करने के लिए, जिन भी इंटीजर्स को हमने ऐड किया है या फिर सब्ट्रैक्ट किया है उनमें सबसे बड़ी नंबर जो भी होगी उसका साइन हम लगाएंगे। ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन इन नॉर्मल क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग इससे भी हार्ड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने लिए हैं, जैसे कि कुछ ब्रैकेट होता है उसके आगे भी एक साइन होता है, उसके अंदर भी जो नंबर होती उसके साथ कुछ साइन होता है, फिर उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब वो एक साथ हमें दिख जाता है किसी बड़े क्वेश्चन में वो चीज़ हमें दिख जाती है तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि हम इनमें से ये साइन लें कि ये साइन लें, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हमने सोचा पहले ये बेसिक बता दें फिर हम एक बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस इसके अंदर भी है और एक माइनस इसके बाहर भी है, यहाँ पे माइनस है इसके बाहर प्लस है, यहाँ पे प्लस इसके अंदर और बाहर माइनस है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पे कोई साइन नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, प्लस है, तो ये अंदर प्लस है, यहाँ पे बाहर भी प्लस है। अब सबसे पहला काम ये होता है कि हमें इस डबल साइन को सिंगल साइन में चेंज करना, जब भी हम क्वेश्चन में ये देखते हैं तो हमारा पहला काम यही होना चाहिए, जो नंबर हमारा डबल साइन में है उनको सबसे पहले सिंगल साइन में चेंज करना होगा, तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो इन साइंस का होगा आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस का प्लस से, प्लस का यहाँ पे प्लस से, तो इन साइंस का आपस में मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का भी सेम रूल है, अगर सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे प्लस का साइन आएगा, अगर अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करेंगे
तो फिर वहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो, देखो सेम साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस और माइनस ये दोनों सेम साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कौन सा आएगा साइन, प्लस का। तो प्लस का 8 हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, दोनों अपोजिट साइन है, और जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आंसर हमारा आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। फिर नेक्स्ट है माइनस और प्लस का, भाई दोनों ये भी अपोजिट है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस ही है, दोनों सेम है, जब सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है साइन हमारा, प्लस आता है, तो प्लस का 7। तो जहाँ कहीं भी आपको डबल साइन में मिले तो हम इस फॉर्मूले से कि सेम साइन होता है तो कौन सा साइन आता है, अगर अपोजिट साइन होता है तो कौन सा साइन आता है, उसके थ्रू हम यहाँ से उसको सिंगल साइन में चेंज कर लेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो हम आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना हम लोग सीखेंगे। रीड क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस का 3 था और यहाँ पे माइनस का 7 था और माइनस का 5 था। माइनस का 7 और माइनस के 5 को क्या किया गया, यहाँ पे ऐड किया गया, और माइनस 7 और ये माइनस का 3 यहाँ पे क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये नंबर अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, ये अपने नंबर अपने आप में नेगेटिव है, ये नंबर अपने आप में नेगेटिव है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे ऐड किया गया। अब हमें करना क्या होगा, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ये है, जहाँ पे डबल साइन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल साइन है, यहाँ पे भी डबल साइन है, इसके आगे अगर माना चाहे तो यहाँ पे प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डबल साइन है उनको हम सिंगल साइन में चेंज करेंगे, कैसे, सेम साइन होगा मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, प्लस आएगा, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, माइनस। देखो ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होता है उस अंदर साइन का उसका मल्टीप्लाई होता है। यहाँ देखो प्लस और माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस, क्योंकि अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस है और माइनस है, दोनों सेम साइन है, हमने पढ़ा है सेम साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 7। फिर यहाँ पे माइनस 3 आगे अगर हम प्लस मानना चाहें तो प्लस और माइनस दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस का 3 ही आएगा। तो अब यहाँ पे ये आ गया माइनस का 3, प्लस का 7 और माइनस का 5। अब हमारा काम ये रहेगा कि जो है नंबर्स यहाँ पे माइनस का 5 माइनस 3, इसको एक पास लिख लेते हैं, माइनस का 3 माइनस का 5 और प्लस का 7 बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस 3 एंड माइनस 5, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है ऐड करने वाला है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होता तो इनके आगे ब्रैकेट्स लगा होता, तो हम इनको आपस में क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। तो हमें ये समझना होगा कहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट। अगर यहीं पे ब्रैकेट लगा होता है तो हम 5 और माइनस, माइनस 3 और माइनस 5 को क्या करते, मल्टीप्लाई करते, तो हमारा आंसर आता प्लस का 15, जो कि हमारा राइट आंसर होता है। लेकिन ब्रैकेट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आई होप समझ गए होंगे कि कहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होता है, कहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो माइनस का 3 माइनस का 5, अब यहाँ पे दोनों सेम साइन है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे ऐड करते हैं, सेम साइन मतलब क्या करते हैं हम ऐड, 5 और 3 ऐड हुए कितना आ जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। अभी मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि इतनी अंडरलाइन की, यानी इन दो को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनमें से बड़ी नंबर कौन है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया यहाँ पे प्लस का 7। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, अब यहाँ पे दोनों क्या हैं, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 7 जाएगा 1 आएगा, और बड़ी नंबर कौन सी है, 8 है, तो यहाँ पे इसके आगे साइन आ जाएगा माइनस। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन है 15 माइनस 8 माइनस माइनस का 2, यानी कि एक नंबर ये जो हमारी नंबर है ये नेगेटिव नंबर है, बाकी दो नंबर्स हमारी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट किया गया है, यहाँ पे 8 और माइनस 2 को आपस में क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, यानी दो नंबर हमारी पॉजिटिव हैं और एक नंबर नेगेटिव है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जहाँ पे डबल साइन है वहाँ पे सिंगल साइन करेंगे, उन साइंस का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। वो हम कैसे पता करेंगे, सेम साइन होगा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, अपोजिट साइन होंगे दोनों तो क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस से माइनस दोनों एक जैसे साइन है, अगर एक जैसे साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे प्लस का 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे माइनस का 8 लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस का 15 लिख लेंगे। हम काम ये हमें करना चाहिए, जो भी सेम साइन वाले एक पास लिख लो, थोड़ा आसान रहेगा। प्लस का 2 एंड 15 एक पास लिख लेंगे, 15 प्लस 2 माइनस 8। अब देखो 15 प्लस 2 दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 17 माइनस 8, 17 में से 8 चला जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9, जो कि एक पॉजिटिव आंसर, क्योंकि 17 हमारी बड़ी नंबर, इसके आगे चाहे तो साइन लगा सकते हैं प्लस का, वरना कोई बात नहीं है। ये इंटीजर के इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट था, इसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे जिसमें हम एडिटिव इनवर्स के जितने भी टाइप होंगे उन सारे टाइप को हम लोग क्लियर करेंगे।